भाई और अम्मी से भाग रहा हूँ। क्यों भाई बच्चा पार्टी, आप लोगों को मजे आए ना? बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी मजे आए होंगे कि नहीं? यू नो यस, मुझे सीरियसली लग रहा है यहाँ पे ना बच्चों का एनर्जी लेवल सबसे हाई है और बाकी सबको बहुत ठंड लग रही है। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग अपने हाथ मल लो, क्योंकि भाई औरतों ने मेहंदी लगा रखी है, आई एम श्योर उनकी मेहंदी खराब हो जाएगी। बट आई एम श्योर आपके गोरे गोरे हाथों में अमेजिंग मेहंदी के डिजाइन बहुत ही फैंटास्टिक लग रहे होंगे। कहते हैं शादी दो लोगों का ही नहीं, दो परिवारों का भी मिलन होता है, और उसी मिलन को आप और मैं आज यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, अपनी गुड विशेज, अपनी दुआएं देने के लिए आए हैं हमारी होने वाली दुल्हनिया को, हमारे होने वाले दूल्हे राजा को, जिनकी आज है मेहंदी की रात। आज शुभ घड़ी में एक मीठे रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है और ये दोनों सदा साथ साथ रहें, यही बस मेरी दुआ है, यही बस मेरी फरियाद है। जल्दी यहाँ पे जिनका हमें इंतजार था वो आने वाले हैं, हमारे दूल्हे राजा यहाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने दिलों को थाम के रखिए और पूरे मन से उनका स्वागत जरूर करिएगा जैसे ही वो आए। मेरे तो दिल से दुआएं निकल रही है, शुभकामनाएं निकल रही है फॉर अ हैप्पी कपल हियर। आपकी जोड़ी सलामत रहे, जीवन में खुशियों और प्यार बना रहे, हर दिन आप खुशियां मनाएं और आपको अपनी ये मेहंदी की रात हमेशा हमेशा याद रहे। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे सब लोग काफी एक्साइटेड हैं और कुछ लोग खाने में भी बिजी हैं एंड कुछ लोग ड्रिंक्स लेने में भी बिजी हैं। पर भाई अपना अटेंशन थोड़ा यहाँ घुमाइए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी हमारे दूल्हे राजा की एंट्री होने वाली है, जिसका हम बहुत चाव से इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो हमको ये मेहंदी की रात, तुम दोनों सदा साथ साथ रहो, यही है बस हमारी फरियाद। मैं तो अपनी दुआएं शुभकामनाएं देने में लगी हुई हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी अपनी शुभकामनाएं, अपनी दुआएं जरूर दें उन्हें, क्योंकि कहते हैं शादी में जब दो लोग एक जहाँ बनते हैं तो दो परिवार भी एक होते हैं। सो इट्स लाइक सेलिब्रेशन टाइम, खुशियों का टाइम है, आप लोग भी थोड़ा इंजॉय करिए। एंड मैं देख सकती हूँ, यहीं से मैं देख सकती हूँ कि हमारी जो दुल्हनिया है, जो बहुत बड़ी LED स्क्रीन में मुझे यहीं से दिख रही है, बहुत चाव से इंतजार कर रही है अपने दूल्हे राजा के आने का, अपने होने वाले बेटर हाफ के आने का। ये दोनों ही जल्दी एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, एक नए हमसफर के साथ दोनों अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं और इनको बहुत जरूरत है आप लोगों की शुभकामनाओं की, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की। तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जल्दी हमारे दूल्हे राजा यहाँ आने वाले हैं, जिनका हमें इंतजार है। और मुझसे आई एम श्योर शीतल को अपने होने वाले दूल्हे राजा का इंतजार है, वो यहीं से मैं देख सकती हूँ कि LED स्क्रीन में शी इज ब्लशिंग लाइक यू नो लाइक एनीथिंग। भाई ढोल ढाकी के बाद आ गई है, हमारी लड़की आने आने वाले हैं, हमारे दूल्हे राजा आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। और कहते हैं ना भाई पंजाबी लोग हैं, आराम से ढोल ढाका करते हुए, शोर शराबा करते हुए ही आएंगे। मुबारक दे रही है आपको यार बार बार, खुशियां आई हैं आपके घर कई हजार, दिल से देते हैं हम आपको बधाई, मेहंदी की रात आप सभी को मुबारक हो मेरे यार। कहते हैं मेहंदी का जो टाइम होता है, बहुत चाहे वो मेहंदी हो या रिंग सेरेमनी हो या शादी के कुछ शादी होने के वो कुछ लम्हे हो, वो हमेशा एक कपल को, एक जोड़े को हमेशा याद रहते हैं। जो फीलिंग्स उनके मन में होती है वो हमेशा उनके दिमाग में, उनके दिल में समा जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये स्पेशल मोमेंट्स वो कभी नहीं भूलते हैं और उन्हीं स्पेशल मोमेंट्स का हिस्सा हम सब लोग बन रहे हैं। और मैं आज से देख सकती हूँ कि हमारे दूल्हे राजा आने वाले हैं, बस कुछ ही और पलों की देरी है। मैं चाहूंगी आप सब लोग अपनी निगाहें मेन एंट्री गेट की ओर बुलाएं और उनका तहे दिल से स्वागत करें। फाइनली हमारे होने वाले दूल्हे राजा आ चुके हैं, शोर शराबे के साथ, धूम धड़ाके के साथ। मैं चाहूंगी आप सब लोग उनका स्वागत करें, मेन एंट्री गेट एरिया पे जाएं उनके स्वागत सत्कार के लिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड।